स्वागत हो गया सभी का एक शानदार सी वीडियो में। तो गाइस इस वीडियो में बात करूंगा GTA 5 के कैरेक्टर्स के रियल के नाम और उनकी फोटो भी दिखाऊंगा। वीडियो को आप देख लेना एंड तक, बहुत मजा आ जाने वाला है। वीडियो को कर देना अभी से शेयर, चैनल को कर दो अभी के अभी सब्सक्राइब। तो लेट्स बिगिन द वीडियो। तो गाइस जो हमारे पहले नंबर का नाम आता है वो है माइकल डिसेंटा। तो गाइस इनका जो रियल का नेम है वो है नेड ल्यूक, और ये 4th अक्टूबर 1958 को पैदा हुए थे। और नेड ल्यूक जो है वो एक अमेरिकन एक्टर है, और इनको 2013 में लीड रोल मिला GTA 5 में, जिससे इनकी पहचान बनी पूरी दुनिया में। 29 से ज़्यादा मूवीज कर चुके हैं, 100 से ज़्यादा टेलीविजन शोज कर चुके हैं, लेकिन GTA 5 इनके करियर का सबसे बड़ा ऑफर था जो इनको मिला। तो गाइस नेक्स्ट हमारे नाम की तरफ बढ़ते हैं, और इनका नाम है ट्रेवर फिलिप्स। रियल का नाम आता है स्टीवन ऑग, और इनका जो जन्म हुआ था 4th नवंबर 1973 को हुआ था। और ये कैनेडियन एक्टर है, कनाडा में पैदा हुए थे, कनाडा से अमेरिका आए, और फिर वहाँ पे इनको GTA 5 का लीड रोल मिला। उसके बाद भी इनकी बहुत पहचान हो गई पूरी दुनिया में, बहुत सारी मूवीज कर चुके हैं 100 से ज़्यादा, और बहुत पैसा कमा चुके हैं गाइस, बहुत रिचेस्ट पर्सन बन चुके हैं GTA 5 के बाद। अब गाइस नेक्स्ट हमारे थर्ड नंबर के करेक्टर की तरफ बढ़ते हैं, और उनका नाम है फ्रैंकलिन, और रियल का नाम आता है शॉन फ्लोरेंटिनो। पूरा नाम जो है इनका शॉन डैनियल फ्लोरेंटिनो है। तो गाइस अब मैं इनकी डेट ऑफ बर्थ बता देता हूँ, और वो है 11 जून 1988। ये एक अमेरिकन एक्टर है और रैपर भी है। हाँ गाइस ये रैपिंग भी करते हैं। साथ में गाइस एक बात बता देता हूँ, GTA 5 से इनका नाम बना, लेकिन GTA San Andreas से भी इनका नाम बना है। बहुत लोगों को ये बात नहीं मालूम गाइस, तो मैं बता देता हूँ कि GTA San Andreas में भी इनका रोल था, लेकिन बहुत छोटा रोल था, इतना बड़ा रोल नहीं था जितना बड़ा GTA 5 में रोल था। ये San Andreas में भी काम कर चुके हैं। 2004 यानी 2004 में इनको साइड एक्टर का रोल आया था GTA San Andreas में। तो इन्होंने और इनके कजन ब्रदर ने दोनों ने अपनी वॉइस दी है एक साइड एनपीसी को, अपनी वॉइस दी है शॉन डैनियल फ्लोरेंटिनो यानी फ्रैंकलिन ने। और GTA 5 में इन्होंने फ्रैंकलिन का लीड एक्टर का रोल किया है, जिससे इनकी पहचान बन गई। San Andreas और GTA 5 दोनों से पहचान बन गई। तो और ये बहुत सारी मूवीज अभी भी कर रहे हैं, पहले भी कर चुके हैं। मेन पहचान GTA 5 और GTA San Andreas से बनी है। तो गाइस तो हमारे फोर्थ नंबर के कैरेक्टर की तरफ बढ़ते हैं, और इनका नाम है अमेंडा टाउनली। और इन गाइस ये अमेंडा टाउनली डिसेंटा है, इनका रियल का नाम है विकी वैन टेसल। तो गाइस इनका जो इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो डिस्क्लोज नहीं करी गई है, लेकिन मैं बता देता हूँ कि इनका जो जन्म था वो डेनवर कोलोराडो में हुआ था। और ये एक अमेरिकन डांसर है और एक कॉमेडियन भी हैं, और गाइस ये सिंगिंग भी करती हैं, वॉइस एक्ट्रेस भी हैं, और बोर्ड वे एक्ट्रेस भी हैं। और गाइस ये इनको मेन रोल GTA 5 का आया, जिससे बहुत फेमस हो गई। बहुत लोगों को मालूम नहीं होगा कि अमेंडा कौन है। तो GTA 5 में माइकल डिसेंटा की वाइफ है अमेंडा टाउनली डिसेंटा, वो हैं ये। अब गाइस हमारे हमारे लास्ट कैरेक्टर की तरफ बढ़ते हैं, और इनका नाम है ट्रेसी टाउनली डिसेंटा, और ये माइकल डिसेंटा की बेटी है। माइकल और अमेंडा डिसेंटा की बेटी है, और इनका जो रियल का नाम आता है ट्रेसी टाउनली का, वो आता है माइकल स्नोथ। और गाइस इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 28 नवंबर 1977। और गाइस ये जो है ये एक बहुत अच्छी अमेरिकन ब्लॉगर है, एक्टर है, प्रोड्यूसर है, वॉइस एक्ट्रेस है, स्क्रीन राइटर है, और भाई साहब बहुत तगड़ा नाम कर रखा है। GTA 5 का रोल आने के बाद इनका इतना नाम हो गया गाइस कि ये भी वर्ल्ड वाइड फेमस हो गई। तो गाइस ये था हमारे टॉप 5 कैरेक्टर्स जो हम लेकर आए GTA 5 के। इनकी रियल की इमेज भी आपने देख ली होगी, आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को कर देना शेयर, चैनल को कर लो अभी क्या भी सब्सक्राइब। यार इतनी मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए, लेकिन आप चैनल सब्सक्राइब करने में कंजूसी करते हो, सारी मजा ले लिया है, तो चैनल भी सब्सक्राइब कर दो, बन जाओ हमारी कैनल फैमिली का हिस्सा। इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक पे कर लो फॉलो। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही गाइस, बाय बाय।